हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं चिकन बॉल्स, जो कि अंदर से तो चिकन की फिलिंग से भरी हुई है और बाहर से सुपर क्रंची है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीस किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए आलू। मैंने यहाँ पे 4 आलू ली है और इसको मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। अभी हम इसको सीधा गैस की तरफ ले चलेंगे और एक पैन में हम थोड़े से पानी डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो इसमें ना आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से आपको उबाल लेनी है। आलू को मैंने छोटा छोटा करके काट के नहीं उबाली है, उससे क्या होता है इसके अंदर का जो स्टार्च होती है ना वो चली जाती है, तो टेस्ट भी चला जाता है उसके साथ भी। तो इस तरह से मैंने इसको बॉयल कर ली है। थोड़ा सा इसको आप चेक कर लेना इस तरीके से। अभी ये देखो, ये अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे थोड़े से ठंडा होने के लिए और तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने फिर से थोड़ी से पानी ली है और पानी में जब थोड़े से उबाल आ जाएगी हम इसमें डाल देंगे बोनलेस चिकन। चिकन मैंने यहाँ पे ली है 500 ग्राम जितना। चिकन को मैंने किस तरीके से काट लिया है आप देख ही सकते हो। अब छोटा छोटा करके मैंने काट लिया है ताकि ये जल्दी बॉयल हो सके। इसको हम थोड़ा सा उबाल लेंगे 12 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर, तब तक ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। एक बार चेक कर लेना कि ये सॉफ्ट हो चुकी है या नहीं। साइड में रख देंगे इसको उठा के थोड़े से ठंडा होने के लिए। और आलू जो हमने थोड़ी देर पहले उबाल के रखी थी वो ठंडा हो चुका है, तो अभी ना इसको हम मैश कर लेंगे। आप चाहो तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हो। तो आलू रेडी है दोस्तों, इसको साइड में कर देते हैं और यहाँ पे ले आते हैं ये चिकन। अब चिकन तो अच्छे से बॉईल हो चुकी है, अब इसका ना हम रेशे छुड़ा लेंगे, मतलब कि इसको हम श्रेड कर लेंगे। सारे चिकन को मैंने श्रेड कर ली है, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे एक बोल में। और उसी के साथ में डाल देंगे ये उबले हुए आलू जो हमने मैश करके रखी थी। साथ ही में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इतना बारीक कटा हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच इतना बारीक कटी हुई लहसुन, थोड़े से हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे। आपको तीखापन कितना पसंद है उसके हिसाब से आप डालना। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़े चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। और उसके बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेना ताकि हाथ में ये चिपके ना, और सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहो तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के भी मिला सकते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये आलू के जगह पर ना मैदा और पानी का यूज़ करते हैं, उससे ना टेस्ट थोड़ा सा कम लगता है। तो आलू लगाने से उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका ना लोइया काट लेंगे, मतलब कि इसके बॉल्स बना लेंगे। अभी आपको जितने बड़े पसंद हो उतने बड़े ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करना है दोस्तों। इससे ज़्यादा बड़ा तो आपको नहीं करनी है, इससे छोटा आप कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सारे बॉल्स तैयार कर ली है। अभी आप चाहो तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं ना आपको एक और भी टेस्टी वाला तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे थोड़े से चीज़ क्यूब्स ले ली है। आप चाहो तो मोज़रेला भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो अमूल का होता है ना वो वाला चीज़ ली है। अभी ना हम इस तरीके से इसके अंदर एक छेद करेंगे और एक एक टुकड़ा इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसका हम मुँह बंद कर लेंगे। तो कुछ कुछ बॉल्स के अंदर मैंने डाल दी है और थोड़े से बाकी रह गए उसमें नहीं डाली है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट हम ले लेंगे कॉर्नफ्लेक्स। 1 पैकेट कॉर्नफ्लेक्स ले लेना और थोड़ा सा इस तरीके से हम मरोड़ मरोड़ के अंदर का जो सामान है ना उसको क्रश कर लेंगे। आप चाहो तो बाहर निकाल के भी क्रश कर सकते हो, लेकिन पाउडर जो है ना वो बाहर निकल के गिर जाएगी, तो इसलिए ना ये बड़ा सिंपल तरीका है। और उसके बाद एक फ्लैट सरफेस में आपको इसे निकाल लेनी है, चाहो तो एक फ्लैट प्लेट में भी आप ले सकते हो। तो ये कॉर्नफ्लेक्स हमारी रेडी है दोस्तों। आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स में भी बना सकते हो। और उसके साथ में हम ले गए अंडा। मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं। अंडे में नमक नहीं डालनी है, बस अंडे को अच्छे से फेंट लेनी है।
तो अपनी सारी चीज़ें तो तैयार ही है। ये अंडे का घोल भी तैयार है, ये कॉर्नफ्लेक्स भी तैयार है। जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों, आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स से भी बना सकते हो। तो एक एक करके हम बॉल्स को लेंगे, अंडे में डिप करेंगे, अच्छे से इसको कोट करेंगे और उसके बाद इसको हम सीधा डाल देंगे ये कॉर्नफ्लेक्स में, और उसके बाद ये कॉर्नफ्लेक्स से हम इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स से कोट करने से क्या होगा, ये क्रिस्पी तो बनेगी ऊपर से, लेकिन अगर आप कॉर्नफ्लेक्स से कोट करोगे ना तो ऊपर ना एक फ्लेकी फ्लेकी टेक्सचर मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो एक एक करके हम इस तरीके से तेल में डाल देंगे। तेल को रखना है आपको मीडियम फ्लेम पे और इसको आपको पलटते हुए फ्राई कर लेनी है जब तक इसका जो कलर है वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी हो तो आप ना लो पे कर देना फ्लेम को। अंदर जो हमने चीज़ डाली है वो मेल्ट होनी चाहिए और ये चिकन जो अंदर है वो भी अच्छे से फ्राई हो जानी चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है ना, यह फ्राई होकर बिल्कुल रेडी है दोस्तों। इसको निकाल लेते हैं तेल में से और इसको ना गर्मा गर्म सर्व करनी है। तो मुझे ना थंबनेल निकालने के चक्कर में थोड़ा सा देरी हो गई है, तो इसलिए ना अंदर जो चीज़ है वो शायद मेल्टेड नहीं है अभी भी। देर हो जाने से क्या होता है, चीज़ जो है ना वो फिर से जम जाती है और वो मेल्ट नहीं रहती है, लेकिन टेस्ट ना इसका लाजवाब बनी है। तो इस तरीके से ना घर पे एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले चिकन बॉल्स कैसे बने हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।